एवरीवन, नमस्कार, जय श्री महाकाल, जय शिव शक्ति। मैं हूँ डॉक्टर खुशी। वेलकम डिवाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का राशिफल स्टार्ट करते हैं 2 जनवरी 2023 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टैरो कार्ड रीडिंग जो रहेगी मेष से लेके मीन राशि तक। चलिए जानते हैं कि आज 12 राशि का कैसा रहेगा दिन, एंड जैसे कि साथ ही साथ में आपको दूंगी एंजल्स गाइडेंस जो होगा वीडियो के एंड में। तो शुरू करते हैं सबसे पहली राशि जो है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, तो करियर रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ न्यू काम आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे आप बहुत ही एक सुकून की राह से एक अच्छी तरीके से काम आगे बढ़ाते हुए नजर आते दिखाई दे रहे हैं। आज का दिन आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहेगा, थोड़े से काम के लेके थोड़ा सा ज्यादा हार्डवर्क हो सकता है, थोड़ी सी आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। कहीं ना कहीं मेडिटेशन करना आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। रिलेशनशिप के लिए काफी थोड़ी सी एक दूसरे से कम्युनिकेशन जो है थोड़ा सा समझने के लिए, या फिर थोड़ी सी एक दूसरे के साथ थोड़ी सी कम्युनिकेशन जो है आपकी थोड़ी हार्ड नजर आती हुई दिखाई दे रही है, जिस वजह से ऐसे हो सकता है कि सामने वाले को आपको बहुत ही ज्यादा शांति से समझाना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स मैसेज आपके लिए ये है कि आज जो भी दिन बीत रहा है उस दिन का रिजल्ट जो है आपको मिल जाएगा। इस राशि वालों के लिए लकी नंबर जो रहेगा एक और लकी कलर है ग्रीन। शुरू करते हैं अगली राशि जो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए करियर के लिए आज थोड़े से डिसीजन लेने पड़ सकते हैं, कुछ स्ट्रांगली कम्युनिकेशन आपकी होगी, काम से रिलेटेड पार्टनरशिप कर सकते हैं। आज काम के रिलेटेड थोड़ा सा ठंडा काम चलेगा, कोई ना कुछ आप जो है कुछ अपने लिए कुछ अच्छी चीजें जो है क्रिएट कर सकते हैं। लव कम्युनिकेशन के लिए, रिलेशनशिप के लिए आज एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हुए दिख सकते हैं, कहीं ना कहीं गेट टूगेदर पार्टी या फिर कहीं ना कहीं खुद के लिए टाइम एक्सपेंड करते हुए नजर आते दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए आपके लिए एंजल्स मैसेज की, तो आज कार्ड्स में जो है आपके लिए एंजल्स मैसेज भी रोमांस का कार्ड्स नजर आते हुए दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के साथ टाइम बिताने के लिए आज का टाइम काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए आज लकी नंबर है 8 और लकी कलर है वॉयलेट। शुरू करते हैं अगली राशि जो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन जो काफी ज्यादा जो है पैसे को सेविंग करते हुए दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं आप फंड जमा कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आप मनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पर अपने सेविंग के हिसाब से कहीं ना कहीं कुछ प्रॉपर्टी खरीदे भी कर सकते हैं। कुछ नए काम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से आपके पास इनकम सोर्स जो है काफी ज्यादा मायने रखती है, तो जिस वजह से इनकम सोर्स जो है बढ़ती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। पर कहीं अंधेरे में तीर ना मारे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो है आपकी बिगड़ भी सकती है। आज के दिन सोच समझ के काम कीजिए। हेल्थ इंप्रूवमेंट आज थोड़ी सी दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि आज हेल्थ थोड़े इश्यू आते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप में काफी ज्यादा थोड़े से नोकझोंक होने की कंडीशन, जिस वजह से थोड़ा सा स्ट्रेसफुल माहौल बना रहेगा। बात करते हैं एंजल मैसेज की, तो कहीं ना कहीं आपको एक्शन लेना जरूरी है। कुछ चीजों के लिए आप एक्शन लेंगे तो काफी ज्यादा आज के दिन फायदेमंद रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए लकी नंबर है 2 और लकी कलर है पर्पल। शुरू करते हैं अगली राशि जो है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं आज काम की बहुत ही ज्यादा स्पीड एनर्जी रहेगी, बहुत ज्यादा काम आते हुए दिखाई दे रहा है, न्यू बिगनिंग्स नजर आती हुई दिखाई दे रही, कहीं ना कहीं प्रमोशन होने के भी चांसेस नजर आते हुए दिखाई दे रहे, कहीं ना कहीं से गुड न्यूज जरूर मिलेगी। अगर बात की जाए आपकी हेल्थ के, आज कहीं ना कहीं आज हेल्थ इश्यू आते हुए दिखाई दे रहे, ब्लड रिलेटेड इश्यू आते हुए दिखाई दे रहे, कहीं ना कहीं बीपी या फिर जिनको शुगर है तो आज वो ज्यादा कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को लेकर केयरफुल जरूर रहे। लव रिलेशनशिप की या रिश्ते की बात करें तो खुद होकर आज आप बात करेंगे, सामने वाले को कन्विंस करेंगे अपने कम्युनिकेशन करने के लिए, काफी अच्छी एनर्जी जो दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए आपके लिए एंजल्स मैसेज की, तो एंजल्स मैसेज आज के लिए है आपके लिए कि आज आप कहीं ना कहीं किसी से हेल्प मांग सकते हैं, परिवार वाले से या फ्रेंड से, तो ये चीज आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगी। कर्क राशि वालों के लिए लकी नंबर जो है 6 और लकी कलर जो है ब्लैक। सिंह राशि वालों के लिए आज कुछ दिन थोड़ा सा नोकझोंक वाला हो सकता है, कहीं ना कहीं किसी से थोड़ी सी नोकझोंक हो सकती है, काम के मामले में भी काफी ज्यादा हार्डनेस नजर आते हुए दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, सामने वाले आपकी कंडीशन नहीं समझते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़े से लॉसेस का खतरा आपको जताते हुए दिखा रहा है, कहीं ना कहीं आपको थोड़े से लॉसेस होने के चांसेस नजर आते हुए दिख रहे हैं, जिस वजह से आप थोड़े से परेशान नजर आते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो रिश्तों की, तो रिश्तों में कहीं ना कहीं आपका पार्टनर जो है आपको इन सारे प्रॉब्लम से थोड़ी सी राहत देने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज जो है आपके लिए अच्छी ग्रोथ लेके आएंगी, जो थोड़ी सी सिचुएशन है उसके लिए थोड़े से अगर आप रुक जाते तो काफी बेटर रहेगा।
अगर बात की जाए आपके लिए एंजल्स मैसेज की, तो एंजल्स मैसेज भी आपके लिए ये कहना चाह रहा है कि आज के दिन आज थोड़ा सा रुक जाइए, जो भी एक्शन लेना है तो आज नहीं लीजिए, जैसे दिन बीत रहा है उसको ज्यादा और हार्ड मत बनाइए, जैसे चल रहा है वैसे आज थोड़े से नमती करके आज अपना काम कर लीजिए। सिंह राशि वालों के लिए आज लकी नंबर है 3 और लकी कलर है ब्लैक। शुरू करते अगली राशि जो है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा सा ज्यादा आप खुद में अपने आप को प्राउड फील करेंगे, थोड़ा सा ईगो या फिर थोड़ा सा आपका नेचर जो है थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर रहेगा, कहीं ना कहीं बाहर जाने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे, कहीं ना कहीं बाहर के क्लाइंट्स या फिर बाहर के ऑफर आपको लिए आ सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, अगर ट्रैवल कर दे तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होकर ट्रैवलिंग कीजिए, कहीं ना कहीं चोट लगने की चांसेस नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ नई क्रिएटिविटी चीज़ें करेंगे जिस वजह से आपका मन जो है आज बहला रहेगा। कहीं ना कहीं रिश्तों में भी अच्छी सी चीज़ें दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं रिश्तों में भी कहीं लेके आप जो है अपने रिश्तों में मिठास लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से दोनों की लाइफ जो है काफ़ी अच्छी तरीके से आज का दिन जो है काफ़ी अच्छी तरीके से चला जाए। आज के लिए आपके लिए एंजल्स मैसेज है कि आज आप किसी की मदद कर सकते हैं, आज आपकी किसी के लिए मदद करना काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए लकी कलर है 4 और लकी कलर है ब्राउन। शुरुआत करते हैं अगली राशि की ओर जो है तुला राशि। तुला राशि वालों कहीं ना कहीं जरा सी आपकी पैसे को लेके खर्च ज्यादा दिखाई देते हैं, जिस वजह से थोड़ा सा आप केयरलेस या फिर थोड़ा सा आपकी केयरिंग नहीं होने की वजह से आपके आज कहीं ना कहीं पैसे लॉस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीज़ों की आपके लिए कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग स्टार्टर होते दिखाई दे रही, पर कुछ चीज़ें से आपको नुकसान ज़रूर होगा, तो बी केयरफुल। कहीं ना कहीं आप आज जो है थोड़ा सा दिन को जो है थोड़ा सा नमता महसूस कर सकते, थोड़ी सी आपकी एनर्जी जो कहीं ना कहीं डाउन फ्लोर में चलती रहेगी, रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं ब्लॉकेज नजर आते हुए दिखाई दे रहे, कहीं ना कहीं अपने लाइफ पार्टनर से कम्युनिकेशन ना होते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे, जिस वजह से कहीं ना कहीं आप परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए आपके लिए एंजल्स मैसेज की, तो एंजल्स मैसेज के लिए आपके लिए कहीं ना कहीं आज आपको अपने पार्टनर के ऊपर भरोसा करना बहुत ही ज्यादा ठीक रहेगा, जिस वजह से आपकी कहीं ना कहीं जो हालत जो थोड़ी सी बिगड़ रही वो ठीक हो सकती है। तुला राशि वालों के लिए आज का लकी नंबर है 7 और लकी कलर है व्हाइट। शुरू करते हैं हमारी अगली राशि जो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं आज काम के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन रहेगा, पर साथ ही साथ अगर आप कोर्ट कचहरी में अगर आपकी केस चल रही है तो कहीं ना कहीं आज उससे राहत जरूर मिल जाएंगी, कहीं ना कहीं आपकी आज जीत होती हुई नजर आती दिखाई दे रही, जिस वजह से कहीं ना कहीं आप कुछ चीजों से प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। अगर बात की जाए लव कम्युनिकेशन की, तो लव कम्युनिकेशन के लिए आज के लिए आपका दिन काफी ज्यादा शुभ रहेगा, आप दोनों की कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो जाएंगे, जिस वजह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो आपको काम के लिए हेल्प करते हुए नजर आते दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए आपके लिए एंजल्स कार्ड्स की, तो एंजल्स कार्ड्स के लिए आपके लिए लक फॉर साइन रहेगा, जैसे कि आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आपको मिल जाएंगी कि डिवाइन की तरफ से, कि जिस वजह से आप अपने नए डिसीजन को लेने के लिए सक्षम रहेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए लकी नंबर जो है 5 और लकी कलर है रेड। शुरू करते हैं अगली राशि जो है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए आज के दिन कैसा रहेगा, तो चलिए जानते कि आज आप कहीं ना कहीं थोड़े से पीसफुल थोड़ी सी शांति से रहने के लिए पसंद करते हुए दिखाई दे रहे, कहीं ना कहीं काम को लेकर जीत महसूस करते हुए नजर आते दिखाई दे रहे, पर कहीं ना कहीं आपको साथ ही साथ दुश्मनों का थोड़ा सा खतरा भी मंडराते हुए नजर आते दिखाई दे रहे, जिस वजह से थोड़ा सा आप भी केयरफुल भी है, थोड़ा सा कुछ समझदारी से भी आगे काम लेते हुए दिखाई दे रहे। पार्टनर की ओर से कहीं ना कहीं गेट टुगेदर पार्टी या फिर कहीं ना कहीं बाहर जाते हुए टाइम एक्सपेंड करते हुए नजर आते दिखाई दे रहे। हेल्थ इश्यू थोड़े से आते हुए दिखाई दे रहे, जिस वजह से थोड़े से खान पान पर ध्यान रखिए, आज के दिन आपको खान पान पे तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, जिस वजह से थोड़े से आपके लिए इश्यू आते नजर आते दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए एंजल मैसेज की, तो एंजल मैसेज भी आपके लिए आज कहीं ना कहीं जता रहा है कि आपको हेल्थ को लेकर काफी ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है। धनु राशि वाले के लिए आज का लकी नंबर है 9 और लकी कलर है येलो। तो शुरू करते हैं अगली राशि जो है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, तो चलिए जानते हैं कि कहीं ना कहीं आज आप थोड़े से पैशन होकर काम करते हुए दिखाई दे रहे, थोड़ा सा आज अच्छा रहना, थोड़ा सा टॉपटिक रहना आपको पसंद आ सकता है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी एनर्जी जो है आपकी आज मेडिटेशन करना, कहीं ना कहीं आप प्रेयर करते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे, कहीं ना कहीं आप ड्रीम्स को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ थोड़ी सी कुछ कनेक्टिविटी करते हुए दिखाई दे रहे, कहीं ना कहीं आपके साथ फैमिली के साथ आज आपका रिश्ता काफी ज्यादा मजबूत बनते हुए दिखाई दे रहे, कहीं ना कहीं आप फैमिली से रिलेटेड कुछ बातें करते हुए नजर आते हैं दिखाई दे रहे हैं। बात की जाए तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं आपकी कंफ्यूज थोड़ी सी लाइफ चल रही है काम को लेकर, कि आपको क्या करना है, एग्जैक्ट आपको क्या करना है, आज आप सही डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं।
अगर बात की जाए आपके लिए एंजल्स मैसेज की, तो आप जो भी बात करना चाहते हैं वो आज आप एंजल से बात कर सकते। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आज आप जो भी प्रेयर करेंगे वो आपके ड्रीम जो है आज कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मकर राशि वालों के लिए आज का लकी नंबर है 3 और आज का लकी कलर है ऑरेंज। शुरुआत करते हैं अगली राशि की ओर जो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, जिस तरीके से आज तो थोड़ी सी एनर्जी नजर आती हुई दिखाई दे रही, कहीं ना कहीं थोड़ी सी शांति से थोड़े से आज काम सारे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज थोड़े से रिलैक्स होके आज रिलैक्स मोड में रहेंगे। काम आपके, जैसे बोलते हैं कि आज लगभग काम आपके होते ही नजर आते हुए दिखाई दे रहे। जो भी काम है आपके आज, जो भी काम आप सोचना चाहते थे इतने टाइम से, जो आप सोच रहे थे वो काम आज आपके डेफिनेटली होते हुए नजर आते दिखाई दे रहे। बट कहीं ना कहीं आपको रिलेशनशिप की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वहां पे आपकी नोकझोंक होती हुई नजर आती दिखाई दे रही। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के साथ टाइम बिताते हुए अगर ठीक रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफस्टाइल है जो आज ठीक होती हुई नजर आती दिखाई दे रही। अगर बात की जाए आपके लिए आज के एंजल मैसेज की, तो एंजल्स मैसेज में आज आपने जो भी कुछ किया होगा वो आपके नियर फ्यूचर में काम आते हुए दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि वालों के लिए लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 8। शुरुआत करते हैं अगली राशि की और जो है मीन राशि। मीन राशि के लिए जैसे कहीं ना कहीं आज आप कहीं ना कहीं गोल्डन अपॉर्चुनिटी पाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ अपने नियमों के अनुसार आज आगे बढ़ते हुए भी नजर आते दिखाई दे रहे। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के साथ घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं आज आपका बुक पढ़ने का मन जरूर करेगा, जिस वजह से कहीं ना कहीं आप कुछ नॉलेज लेते हुए भी नजर आते दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीजें ऐसे हो जाएंगी कि जिस वजह से कहीं ना कहीं आप अपने फैसले जो है खुद लेते हुए नजर आते दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीजें ऐसे होने की वजह से आप अपने लाइफ में जो है पैसे को लेकर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट देने लगे हैं। अगर बात की जाए आपके लिए एंजल्स मैसेज की, तो एंजल्स मैसेज आपके लिए कि आप जितना मेडिटेशन करेंगे उतने सारे आंसर आपको मिलते रहेंगे। मीन राशि वालों के लिए लकी नंबर है 7 और लकी कलर है वायलेट। हेलो एवरीवन, मैं फिर से मिलती हूँ आपके लिए न्यू वीडियो में, न्यू एपिसोड में। तो तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। नमस्कार।